आज हम हिंदी सेकंड पढ़ने जा रहे हैं वापस से, जिसमें हिंदी सेकंड यानी व्याकरण, जिसमें 9 चैप्टर तक आपका सेकंड यूनिट का कोर्स हो चुका है। अब हम फाइनल का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो फाइनल का लेसन है वचन, जो नंबर 10 है। वचन बताते हैं कि संज्ञा शब्द एक है या अनेक। तो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं और कुर्सी पर कपड़े रखे हैं, तो यहाँ पर गेंद व कुर्सी शब्द जो है उनके एक होने का पता चल रहा है, और जो बच्चे व कपड़े हैं उनसे उनके अनेक होने का पता चल रहा है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद बताए गए हैं। वचन के भेद यानी प्रकार दो प्रकार के होते हैं, वो होते हैं एकवचन और बहुवचन। एकवचन क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक होने का बोध होता है, उसे हम एकवचन कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है। और सर्वनाम क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं, जैसे मैं, तुम, हम आदि। तो तालाब में मछली तैर रही है और चूहा बिल में घुस गया है, तो उपयुक्त वाक्य में तालाब, मछली और चूहा शब्द उनके एक होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द एकवचन हैं। इसके बाद आता है बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके दो या दो से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे मछलियाँ तैर रही हैं और बिल्ली को देखकर चूहे भाग गए, तो उपयुक्त वाक्यों में मछलियाँ और चूहे शब्द उनके अनेक होने का बोध करा रहे हैं, अच्छा ये सब बहुवचन है। अब वचन का प्रभाव क्या होता है? तो वचन का रूप विशेषण तथा क्रिया दोनों को प्रभावित करता है। जैसे मीठा आम खा लो, मीठे आम खा लो। फिर विशेषण पर वचन का प्रभाव। वाक्य में आए विशेषण शब्द संज्ञा के वचन से प्रभावित होते हैं, जैसे एकवचन और बहुवचन। एकवचन में क्या हुआ कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला विशेषण है, घोड़ा संज्ञा है, तो संज्ञा पर इसका प्रभाव पड़ा, काला घोड़ा दौड़ रहा है, वह अच्छा है, मेरे मन में बुरा ख्याल आया। बहुवचन, काले घोड़े दौड़ रहे हैं, वे अच्छे हैं, मेरे मन में बुरे ख्याल आए। तो उपयुक्त वाक्यों में काला, अच्छा तथा बुरा शब्द एकवचन है, तथा काले, अच्छे तथा बुरे शब्द बहुवचन। अतः विशेषण पद के वचन में वचन के आधार पर परिवर्तन अवश्य आता है। फिर आता है क्रिया पर वचन का प्रभाव। वाक्यों में आए क्रिया शब्द भी संज्ञा के वचन से प्रभावित होते हैं, जैसे एकवचन और बहुवचन। एकवचन में वह आया, बच्चा पढ़ रहा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, बाग में फूल खिला है। और बहुवचन में वे आए, बच्चे पढ़ रहे हैं, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, बाग में फूल खिले हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में आया, पढ़ रहा है, बैठा है तथा खिला है एकवचन की क्रियाएं हैं। तो आए, पढ़ रहे हैं, बैठे हैं तथा खिले हैं बहुवचन की क्रियाएं हैं। अतः क्रियापद में वचन के आधार पर परिवर्तन अवश्य आता है। अब आता है वचन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एकवचन के रूप में ही किया जाता है, जैसे हवा, आग, आकाश, पानी, वर्षा आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है, जैसे प्राण, आंसू, दर्शन आदि। अ, ई, ऊ तथा ऊ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन नहीं बदलता, जैसे मोर, घर, नगर। अ से अंत होने वाले कवि, मुनि, ई से अंत होने वाले धोबी, माली, बड़ी ई से अंत होने वाले साधु, गुरु, छोटे ऊ से अंत होने वाले, और भालू, डाकू, बड़े उसे अंत होने वाले। इसके बाद आता है संबंध सूचक शब्द, जैसे दादा, मामा, नाना, मौसा आदि का वचन कभी नहीं बदलता। सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन के रूप में ही किया जाता है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, प्रधानाचार्य जी आ रही हैं, मदर टेरेसा एक समाज सेविका थी, नेताजी सभागार का उद्घाटन करेंगे। कुछ जातिवाचक शब्द अपने एकवचन के रूप में बहुवचन का बोध कराते हैं, जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है और मुंबई के आम का क्या कहना। तो उपयुक्त वाक्यों में संतरा तथा आम एकवचन के रूप में प्रयुक्त होकर भी बहुवचन का बोध कराते हैं, क्योंकि इनके साथ हैं और शब्द का प्रयोग हो गया, जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है, ठीक है, और मुंबई का आम क्या कहना, के आम का क्या कहना, तो ये एक वचन होकर भी बहुवचन का प्रयोग करा रहा है। जब शब्दों के साथ ने, को, में, से के लिए आदि परसक का प्रयोग किया जाता है, तो इनके बहुवचन रूप भिन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ ओ, यो आदि जुड़ जाता है, जैसे परसर रहित एकवचन, परसर रहित बहुवचन और परसर सहित बहुवचन। तो नदी बहती है, नदियाँ बहती हैं, नदियों का जल सूख गया। तोता फल खाता है, तोते फल खाते हैं, तोतों ने फल खाए। मैंने पुस्तक खरीदी, मैंने पुस्तकें खरीदी, मैंने पुस्तकों पर अपना नाम लिख दिया।
लड़की गीत गाती है, लड़कियां गीत गाती हैं, लड़कियों ने गीत गाया। खिड़की बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, खिड़कियों को बंद कर दो। फिर वचन परिवर्तन कैसे होते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाना। अ के स्थान पर ए लगाकर एक वचन, जैसे भैंस का भैंसे, बहन का बहने, चाँ आँख का आँखें, रात का रातें, पुस्तक का पुस्तकें, झील का झीलें, मेज का मेजें, बात का बातें, गधा का गधे। बड़े आ के स्थान पर ए से एड़ी छोटी ए लगाकर रुपया चीता बच्चे कपड़ा, तो रुपए चीते बच्चे कपड़े सब। फिर गधा गधे बेटा बेटे लड़का लड़के रास्ता रास्ते। फिर बड़े आ के स्थान पर एन लगाकर यहीं पर चंद बिंदी लगाकर, जैसे सभा का सभाएं, माला का मालाएं, कविता का कविताएं, पाठशाला का पाठशालाएं, परीक्षा का परीक्षाएं, कन्या का कन्याएं, महिला का महिलाएं, कथा का कथाएं, लता का लताएं और भाषा का भाषाएं। इसके बाद छोटी ई के स्थान पर बड़ी स्थान, छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर इयां लगाकर, जैसे नदी का नदियाँ, टोपी का टोपियाँ, सखी का सखियाँ, जाति का जातियाँ, नीति का नीतियाँ, मछली का मछलियाँ, कली का कलियाँ, मक्खी का मक्खियाँ, चूहिया का चूहियाँ। या को या करने पर, यानी इस पर चंद बिंदी लगा देना, गुड़िया का गुड़ियाँ, वस्तु का वस्तुएँ, चूहिया का चूहियाँ और गौ का गौएँ। फिर कुछ शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। कवि का हो गया कविगण, निर्धन का हो गया निर्धन वर्ग, शिक्षक का हो गया शिक्षक वृंद, टिड्डी का होगा टिड्डी दल, विद्यार्थी का हो गया विद्यार्थी वर्ग और गुरु का हो गया गुरुजन। तो पाठ का सारांश मैं अब आपको समझा दूँ कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके दो या दो से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन का रूप विशेषण तथा क्रिया दोनों को प्रभावित करता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। संबंध सूचक शब्द का वचन कभी नहीं बदलता। तो इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं पाठ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा।